नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं कि निगम चुनाव, नगर निगम चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 29 के जुझारू पार्षद कुलदीप यादव जी के पास, जो कि एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मेरा पहला सवाल कि आपके 5 साल के कार्यकाल में आपकी क्या उपलब्धियाँ रही हैं? एक निगम पार्षद का काम एक वार्ड से रिलेटेड होता है, और मेरे वार्ड में 2 गांव और तकरीबन 5 सेक्टर मेरे वार्ड में रहे, जो वार्ड 29 था मेरा। इसमें जो 5 सेक्टर थे, उसमें से 3 सेक्टर हुड्डा के पास थे और 2 सेक्टरों में बिल्डर कॉलोनियाँ हैं। तो जो जब मैं पार्षद बना, तो ये जो हुड्डा सेक्टर हैं वो टेक ओवर हुए थे हुड्डा से MCG में। तो इसमें बुरा हाल था, क्योंकि हुड्डा डिपार्टमेंट के पास पैसे उस टाइम नहीं थे और मेंटेन चीज़ें नहीं हो रही थी, रोड सीवर सब चीज़ की दिक्कत थी, पार्क भी मेंटेन नहीं थे। तो हमने सभी सेक्टरों में, तीनों सेक्टरों में सभी सड़कें नई बनवाई और पार्कों को, सब जितने भी पार्क थे सेक्टर में, सभी में सभी को नया करवा के, और उसमें जो जो सुविधाएं थी, ओपन जिम था या बैठने के लिए कैनोपी थी, बेंचेज थे, वो सब हमने इन 5 सालों में कराया। और जो मेन काम, जो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि जो बिल्डर कॉलोनियाँ थी मेरे वार्ड में, उन्होंने अभी 1.5 साल पहले उसको MCG में टेक ओवर करा दिया, क्योंकि ये बड़ी एक बड़ी पूरे गुरुग्राम में ही बड़ी गंभीर समस्या थी कि जो बिल्डर थे वो अपना पल्ला झाड़ के चले गए, अपनी बेच के प्रॉपर्टी चले गए, और मेंटेन नहीं हो पा रहा था। तो हमने बार बार गुहार लगाई, मुख्यमंत्री जी ने सुन के, और ये जो टेक ओवर कर लिया, अब MCG में ये आ गए हैं और इसकी सभी DPR तैयार हो गई, जितना भी बिल्डर एरिया था मेरे वार्ड का, वो अब उसमें सारे में काम शुरू हो जाएंगे। मेन काम हमारा ये था। सर, मेरा अगला सवाल है कि देखने में आया है कि अधिकतर पार्कों की जो हालत है ख़राब है, तो इसके लिए नगर निगम और आपके क्या प्रयास रहेंगे? साथ ही जो ओपन जिम शुरू किए गए थे पार्क में, उनकी भी हालत देखी जाए तो इस टाइम पे बहुत ख़राब है। तो आपके पार्षद बनने के बाद आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? पहले तो मैं आपके माध्यम से चैलेंज देता हूँ कि मेरे वार्ड में जो मैंने पार्क मेंटेन करवाए हैं, आप एक भी पार्क दिखा दें जो मेंटेन नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ खुलेआम। रही बात ओपन जिम की, या ये चीज़ें डेली यूज़ की होती हैं, तो हो सकता है कोई, जैसे भाई डेली यूज़ हो रहा है तो कोई ख़राब हो गई, टूट गई, उसमें भी हम क्या करते हैं कि मेंटेनेंस का टेंडर करवा देते हैं, और जो कि हो भी रहा है। तो जहां मेरे मैं अपनी वार्ड की चैलेंज कर दे रहा हूं आपको कि आप मेरे वार्ड में जो जो मेरे सेक्टर्स हैं जी, जो हमने पार्क मेंटेन MCG से कराए हैं, नए बनवाए हैं, वो सारे मेंटेन हैं, आप जाके देख सकते हैं। हो सकता है कहीं और आपने ये पार्क देखे हों, कि पूरे गुरुग्राम की मैं वो बात नहीं करता। और आगे की जो बात है, वो जो अब सुनने में आ रहा है कि कुछ डिलिमिटेशन में कुछ एरिया हटेगा, कुछ नया लगेगा, तो जिस हिसाब से मैंने पहले काम किया, उस चीज़ से नए वार्ड में भी काम करेंगे जी। सर, मेरा अगला सवाल है कि भाजपा नगर निगम चुनाव सिंबल पर लड़ती रही है, तो वहीं अब कांग्रेस भी सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो आपकी क्या तैयारी है इसे को लेकर? भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि कांग्रेस लड़ रही है या आम आदमी चुनाव लड़ रही है, इससे कोई गुरुग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी नगर निगम गुरुग्राम की, और मेयर भी हमारा भाजपा का ही होगा। चलिए सर, अगला सवाल है कि प्रॉपर्टी ID और परिवार पहचान पत्र को लेकर के काफ़ी परेशानियां हुई हैं, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि आने वाले समय में क्या इसका भाजपा नगर निगम चुनाव पे कोई असर दिखाई देगा? देखो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जी। प्रॉपर्टी आईडी का एक जो मकसद है उनका, वो ये है कि जब सबकी परिवार पहचान पत्र बन जाएंगे जी, तो जितनी भी स्कीमें गवर्नमेंट की आती हैं वो उससे कनेक्ट हो जाएंगी जी। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ कि मान लो बच्चा 18 साल का होगा जी, तो उस पर फिर हम सोचते हैं कि बच्चे का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, बच्चे की वोट कार्ड बनाना है, तो वो फिर ऑटोमेटिक चीज़ें बन जाएंगी। और मान लो 60 साल उम्र हुई और पेंशन बननी है,
वृद्ध पेंशन बननी है, तो वो ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट होगी, तो आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। ये बहुत अच्छा मुख्यमंत्री जी का प्रोजेक्ट है। देखो, कोई भी स्कीम नहीं आती है या कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट की आती है तो उसमें एक समय लगता है चीज़ों में, नया जब कोई भी इस तरह का आता है तो दिक्कतें जैसे आ रही है, करेक्शन हो रहे हैं जी। मैं अपनी बताऊं तो मैं अपने ऑफिस में भी मेरा परमानेंट कैंप मेरा चलता है अपने वार्ड के लिए, जिसमें पीपीपी कार्ड और आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी करेक्शन या समस्याएं हैं या नया बनना है तो वो हम रेगुलर बेसिस पे बनाते हैं। उसके अलावा भी जहां हमारे वार्ड में, सोसाइटी में, सेक्टर में कहीं डिमांड आती है तो हम वहां एडीसी ऑफिस से संपर्क करके कैंप भी लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा, और फिर इससे कोई आमजन को परेशानी वैसी नहीं है। ठीक है, एक स्कीम है और उसको सब में सबको उसने अवेल करना है तो शुरू शुरू में दिक्कत आ रही है, ऐसी कोई फ़र्क इसमें पड़ने वाला नहीं है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया और खुल करके अपनी बात रखी। तो ये तो थे हमारे साथ कुलदीप यादव जी, जिन्होंने नगर निगम चुनाव को लेकर के अपने विचार रखे। देखते रहिए और बने रहिए दैनिक भरोसा।